नेहरू नगर मुंबई महानगर के स्लम्स में से एक, जहां जीवन की छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति ही एक चुनौती थी। कितना टाइम ले रही है साली, कौन गया अंदर? अरे हल्का साली बाहर निकल, अरे कुछ निकल दिया, निकालो आके साला गंडर को, क्या मरता कौन समझ के रखा है? ए, तेरे मर्द को अच्छा है ना, मॉर्निंग वॉक के साथ साथ वो बीच पे ही संडास हो आता है। ए, ये क्या को जा रही रे? ए, इधर थी मैं, वो पीछे बात करने को गई थी। ए, अरे इसका छोड़ी कर दी, जो कुछ अरे मत करेंगे तो पूरी लाइन संडास के अंदर चली जाएगी। अंधी है क्या? मेरी पत्नी उषा घर वालों की पसंद के साथ साथ मेरी भी पसंद की लड़की, पर अफसोस इसे मुझसे कुछ शिकायतें थी। मैं कह रही हूँ भगवान के लिए दूसरी जगह लीजिए घर, यहाँ नहीं रह सकती मैं। और ये मैं हूँ मनोज कुमार, वार्ड सी में जूनियर क्लर्क, सैलरी। खैर छोड़िए। अरे आज फिर कोई झगड़ा हुआ क्या? फिर क्या, आप नल की लाइन, घासलेट की लाइन और झोपड़ पट्टी के संडास की लाइन में खड़े हो तो पता चले, और उधर जुलेखा, अरे हमें देखते ही नाक सिकुड़ के हमारे मुंह पर थूकती है। उस दिन आटा मांगने आई थी, मैंने क्या कह दिया, अभी गेहूं पीसा नहीं, बस इतनी सी बात से चिढ़ गई मुझसे। तो दे देती थोड़ा सा आटा? उस दिन आटा देती, फिर घासलेट और फिर झगड़ा, इसी लेन देन से तो यहाँ बवाल होते हैं। मुझे देखकर थूकती है कुतिया। मेरी बीबी के मुंह से गाली? देखो उषा, तुम्हें अपनी सभ्यता नहीं भूलनी चाहिए। हाँ मैं सभ्य सभ्य सब भूल जाऊंगी, आप अच्छे जगह घर लीजिए। सारा मुंबई तो ऐसा नहीं, टीवी सीरियल पे कितना रंगीन दिखाते हैं। कैसे समझाता बीबी को कि टीवी सीरियल की रंगीनी और बेरंग लाइफ में कितना अंतर है? क्या बताऊं कि महानगरों में सही माहौल में मकान ले पाना कितना मुश्किल है एक मामूली क्लर्क के लिए, पर इसका अंदाजा वो कैसे लगा पाती? वह तो गांव से पहली दफा शहर आई थी, रंगीन सपने लेकर जिन्हें शहर में वह टूटते देखती थी। पर ऐसा नहीं था कि झगड़े सिर्फ उषा को ही सहने पड़ते, दंगे फसाद की कोई कमी न थी इन गलियों में। बाजी लेने गई थी यार को मिलने, अगर इतना ही शक है तो खुद कमा, मतलब इन गलियों से गुजरना तनाव में से गुजरना था। बाजी लेने गई थी, बाजी लेने गई थी, पति पत्नी को मारता, बाजी लेने गई थी, पत्नी बच्चे को, तो कभी पड़ोसन को, बच्चा पिल्ले को, पिया हुआ आती जाती मोटरों को, जवान लड़के लड़की पटाने वाले को, और गालियों से तो सब एक दूसरे को मारते ही रहते। इतवार छुट्टी का दिन,
इस दिन तो झगड़ों के फाइनल्स हो जाते। इस दिन मिल वर्कशॉप बंद रहती, लिहाजा मर्द भी घरों में होते। शंकर पाटिल का मटके का कारोबार भी क्लोज रहता। अलबत्ता शामू दादा के अड्डे पर विशेष रौनक रहती। सवेरे से ही पीने वालों का तांता बंधा होता और लोग लड़खड़ाते ठाके लगाते इस छोर से उस छोर तक झगड़ों को सुनते घूमते। अबे शारे, उस दिन अड्डे में बहुत शान पट्टी मार रहा था। बीबी मेरे बीबी से झगड़ा कर दिया। औरतों की डी रिपोर्ट पर लड़ाई छिड़ जाती। आर या पार के नारे लग जाते। हथियार होते अक्सर अपने ही घरों से तोड़े टीन के पतरे या बांस के डंडे। बताते तेरे को अभी। और फिर एक दूसरे को सबक सिखाया जाता जमकर। दो चार सर फटके, दो चार को पुलिस पकड़ कर ले जाते। वो एक नया सेल निकला है, वो आया क्या आपके? एक आध बार तो मुझे भी धक्का लगा, पांव भी। सच तो ये था, मैं भी इस माहौल से ऊषा जितना ही परेशान था। इन झगड़ों से, यहाँ की दुर्गंध से, तंग गलियों से, रिश्तेदारों में अपने एड्रेस का पोल खुल जाने के डर से। पर सही मायनों में परेशानी क्या होती है, इसका असली पाठ तो मुझे भी पढ़ना था। उस दिन भी बीबी के दरवाजे की झिरी से आंख लगाए छवि मन में लिए मैं तेज कदमों से घर लौटने की कोशिश कर रहा था। पर मुझे क्या पता था, उस दिन मेरी खोली के सामने कोई और भी मेरा इंतजार कर रहा था। परेशानी का सबक, पर पहले तो मैंने उसे सबक सिखाना चाहा। उस शामू दादा के छोकरे को जो मेरे घर के सामने वाली नाली में शराब की बोतलें छुपा रहा था। ए, जा रहा हूं। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, ये चल के रहा है यहां पर करने का। चल अपना काम कर। ये सामने मेरा घर है, यहाँ यहाँ गंदी मत फैलाओ। ठीक है ऐसे। शामू दादा का नाम सुना है? ये इसका ऑर्डर है। मैं बोलता हूँ हटाए नहीं यहाँ से। पहली कम गंदगी है जो और गंदगी फैला रहा हूँ यहाँ पर। हटाओ ये बोतलें यहाँ से, ये गंदगी मैं अपने घर से नहीं आने दूंगा, समझे कि नहीं? अरे ये गटर कोई तुम्हारी बोतल छुपाने के लिए नहीं है। चलो यहां से उठो, आओ, चलो। शामू दादा के ऑर्डर पे ऑर्डर चला रहे। बताते हैं तेरे को, बताते हैं। ये नेहरू नगर नहीं, शामू दादा नगर है। बताते थे। देख लेंगे तेरे को, भक्तो रे दूल्हा। क्या हो रहा था, जाने देते ना। अरे हमारे घर के सामने नाली में शराब की बोतलें छुपा रहा है, और ऊपर से दादागिरी। धन भी दे रहा है मुझे। कमबख्तों को किसी की इज्जत और तकलीफ में कोई परवाह नहीं है। वही तो, आज नल पे क्या हुआ? अरे सब तीन तीन हंडे पानी लेते हैं। मेरे पे सरिता बोली, तुम दो जन हो, दो हंडे लो। मैंने भी सोचा कहूं ऐसे कैसे, जब सब तीन हंडे लेते तो मैं काय को दो हंडे लो। पर जाने दो, कौन इन लोगों के मुंह लगेगा रोज रोज। घर के सामने काट के फेंक दूंगा, समझा क्या? सलाम दादा।
का दादा। क्या दिख रहा है? नमस्ते। रख दे सब बोतलें अंदर, सारी बोतलें संभाल के रखना। छुपा के रखेगा। देखता हूं कौन किल्ला साला रोकता है। क्या कर रहे हैं? जाने दीजिए, ना करने दीजिए, अपना क्या ऐसे है? ऐसे तो ये लोग सर पे सवार हो जाएंगे, समझती क्यों नहीं हो? लोग क्या कहेंगे? उसने मुझे ललकार में घर में बैठा रह गया। वो लोग बदमाश हैं, आप अकेले क्या करेंगे? लड़ने? उषा, कोई लड़ना थोड़ी मुझे उनसे जाके, उनसे सिर्फ बात करनी है। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। उषा, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत, बस। अरे मैं लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ, बात करनी है मुझे उनसे। तो बात करता हूँ। सब बोतलें संभाल के रखना। मनोज कुमार, साले तेरे को बोला ना सब बोतलें संभाल के रखना। आप शंग लगा है ना साले, है? अगर एक भी बोतल टूटी ना तो तेरा भी थोबड़ा फोड़ के रख दूंगा। दादा दादा, ये बोतलें आप यहां मत रखिए, नहीं तो क्या कर लेगा तू? हैं? क्या कर लेगा तू? तकलीफ होती है। अरे तकलीफ होती है तो दूसरे एरिया में जाके रह। इधर झोपड़पट्टी में काय को रहने को आया? और ये गटर का तेरे बाप का है? क्यों भाई? तेरे बाप का ये गटर? बोल, तेरे बाप का गटर है क्या? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? अब बाप को पूछ रहे, गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप। अबे तेरे कानून की मां की आंख साले। ए पकिया, ये क्या रहा है? और साले को फोड़। बाजौट, क्या 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 कर रहा है तू? चल, ए तू क्या देख रहा है? तोड़ दे साले को। मेरे को कानून सिखा रहा है, ये बोतलें इधर ही रहेगी तेरे घर के सामने। अरे चूहा है तू, चूहा समझा क्या? एक कोने में रहता है। क्लार्क है साला तू, क्लार्क। सर्विस करो, पेंशन का साले। तोड़ के रख दूंगा, आर पार कर दूंगा साले। मेरे को धंधा सिखा रहा है, फोड़ के रख दूंगा पूरी तरह से। चार फुटिया, मेरे को कानून सिखा रहा है साला। ना बिल्ले घर के अंदर। अच्छी तरह से सुन लेना तू, मेरे एरिया में जैसा मैं बोलेगा ना वैसा ही रहना पड़ेगा। साले गटर में बहा दूंगा बोतलों के साथ, समझा क्या? करता था, कानून सिखा रहा है मेरे को। ए, क्या देख रहे हो तुम लोग? चलो धंधे का टाइम खोटिया रहा, चलो। क्या देख रहे हैं? लट लट हट हट हट। सोचा नहीं था बात यहां तक पहुंच जाएगी।
दिन दाड़े या सबके सामने कोई चाकू निकाल कर। अपना नहीं तो मेरा तो सोचा होता। क्या कहूं उषा, मैं शर्मिंदा हूं। तकवी हालत में किस अस्पताल में ले जाते, हमें तो ये भी नहीं पता। कैसे ले जाते हैं ये भी नहीं पता। और अगर तू मैं छोड़ ही जाते तो वो लोग आज हमारा सात सिंगारी छीन ले जाते, तो हम गांव विधवा बनकर लौटते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मजाक है क्या? ऐसे खुलेआम गैर कानूनी कार्रवाई? इस देश में कानून है, अभी किसी को मारना इतना आसान नहीं। 10 मिनट में पुलिस आकर हथकड़ियां लगाकर ले जाएगी तुझे। श्यामू पाटिल, इस अपमान का बदला लूंगा मैं, इस जलालत को अंजाम तक पहुंचाऊंगा मैं। क्या कहाँ जा रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ मैं। क्या? मैं नहीं जाने दूंगी आपको। तुम अंदर से दरवाजे बंद करिए। मैं नहीं जाने दूंगी आपको, आप अंदर चलिए। मैं नहीं जाने दूंगी। अच्छा, फिर मैंने कब खोलना पड़ेगा? कहीं से भी आ सकते हो, कहीं से भी आ सकते हैं। एक किताब में लिखा था, डर मन के अंदर होता है। गलत लिखा था। इस माहौल में वो लेखक अगर आता तो देखता कैसे दहशत हवा में घुल जाती है। कहीं से भी आ सकते हो। नाम? श्यामा चाचा। किसने निकाला? मेरा नाम मनोज कुमार नाम है मेरा। क्या हुआ, जल्दी बताओ। जी बात ये कि ऐसे क्यों होता है कि पुलिस के सामने आते एक कंप्लेनेंट को ऐसे डर लगता है जैसे उसी ने कुछ गलत किया हो? जी वो मैं नेहरू नगर में 5 नंबर ब्लॉक में रहता हूँ। तो वहीं पर श्यामू दादा का शराब का ठेका है। आज उनके छोकरों ने सीधा खड़ा रहे। हाँ बोलो जी। आज श्यामू दादा के छोकरों ने मेरे को इतने बड़े चाकू से आज मुझ पर हमला कर दिया होता। क्यों, तुमने उसको छेड़ा होगा? जी मैंने नहीं, बकलाता ना तो क्या करता। मैं समझा था गैर कानूनी शराब के अड्डे का नाम सुनते ही ये लोग गुंडों की गुंडागर्दी को समझ जाएंगे, पर ये क्या, दिल टूटने लगा मेरा तो। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तो क्या उसका भेजा खराब हो गया था जो तुमसे लड़ने आ गया? क्या पूछ रहा है? जी बात ये थी कि वो मेरे घर के सामने वाले नाले में अपनी शराब की बोतलें छुपाना चाहता था। मैंने मना कर दिया, बस बात बिगड़ गई। अच्छा ये बात है, लेकिन तुमने मना क्यों किया? किस बात की तनख्वाह खाता है तू कद्दू? ऐसे पूछताछ करते हैं, गलत काम टोकने वाले से पूछते हैं कि तुमने गलत काम पर टोका क्यों? अरे बोला, लौकर जवाब दिया। देखिए हवलदार साहब, वो मेरे घर के सामने गैर कानूनी तरीके से शराब की बोतलें छुपा रहा था। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, क्या मेरे को इतना भी अधिकार नहीं कि मैं उसका विरोध कर सकूं? अरे भाई बॉटल ही छुपा रहा था ना, उसमें तुम्हारा क्या गया? ए, सीधा खड़ा रहो, नहीं तो पट्टे पड़ेंगे। आइंदा अगर शराब पीकर गाली बका ना तो 2 दिन खड़ा रखूंगा, समझा क्या? अरे तुक दारू के अड्डे बंद करवाना पहले,
उस माहौल में कोई गाली नहीं बकेगा तो क्या करेगा? हाँ बोला बोला। देखिए हवलदार साहब, वो एक गुंडा है और अगर मैंने उसे मौके पर नहीं टोका होता तो आज वो मेरे घर में घुस आता। आप उसका गैर कानूनी धंधा बंद नहीं करवाते हैं? ए, हमको कानून नहीं सिखाने का, हमको सब कानून मालूम है। आया बड़ा। ए बालेरा, ना साहिब पकड़ के बोल जा। मेरी कंप्लेन? हाँ साहब बोलेंगे तो लिखेंगे। आज कुणा से तोंड बघितलं माहिती नाही, सकाळ पासून कटकट लागलेले आहेत, थोडी विश्रांती नाही, एक ना एक चालूच आहे। पर ये बताओ, जब जमानत पर वो दूसरे दिन छूट जाएगा तो क्या तुम में इतना दम है कि तुम उसे टकरा सको? मगर सर कानून, देखो तुम्हारी कंप्लेंट के ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं मगर 24 घंटा तुम्हारी हिफाजत तो नहीं कर सकते। अगर उसने बदला लिया तो? तुम सीधे साधे आदमी मालूम पड़ते हो पर जरा प्रैक्टिकल भी तो बनो। उस वक्त मुझे सबसे बड़ी गाली यही लगी। पर जरा प्रैक्टिकल भी तो बनो। हाँ सर, वो गैर कानूनी तौर पे शराब बेचता है तो क्या पुलिस उसका ये धंधा बंद नहीं करवा सकती? ये मैंने क्या कह दिया? अगर ये मुझसे नाराज हो गया तो उल्टा मुझे ही अंदर कर देगा। अभी तुम सोच लो, हमारे पास तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए मैन पावर नहीं है। अरे देखो, ये कोई कंप्लेंट लॉन्च करवाना चाहते हैं तो भोईर को कह दो कि इनकी कंप्लेंट लिखवा दे। और स्पेयर में कौन है? हाँ खान को इनके साथ भेज दो। ए भाले राव, ओ मनोज कुमार को यहाँ भेज देना, कंप्लेंट लिखवानी है, साहब ने बोला है ना। लेकिन कमांडर, वो तो तभी का चला गया। और क्या करता, एक ने एडवाइस दी। सोच लो, कल जब वह दादा जमानत पे छूट के वापस तुम्हारे मोहल्ले में आ जाएगा तो दूसरी तरफ गैर कानूनी शराब के अड्डे किस सांठगांठ से चलते हैं यह भी समझ लिया। तो अब क्या यही रास्ता है कि घर बदलूं, बेहतर घर पाने के लिए ऊपर की आमदनी बटोरूं, तब तक चूहा बन अपने बिल में चिपता फिरूं, पर नए घर नई सोसाइटी में भी कोई दादा कोई गलत आदमी मिला तो वहां भी चिपता रहूं? क्या कोई समाधान नहीं? इन बाहों में अब आने दे। जादू का जादू छाने दे, है कसम तुझे ऐसे न मुझे तड़पा। भाई को बुला के ला। हाँ बा, कौन है? गड़ी गड़ी मेरे को बुलाएगा क्या? कौन है रे? हैं कौन है? तेरे ख्वाब की आवाज की सर पे चढ़ के बोले। क्या है? हैं? क्यों आया तू यहां पर? क्या चाहिए तेरे को? एक भुर्जी पाव, एक कोल्ड ड्रिंक। सुनिए,
एक प्लेट भुनी कलेजी भी देना। ऑर्डर ले ले। चल। किताब में गलत नहीं, सच लिखा था। डर बाहर नहीं, इंसान के अंदर होता है।